फेमरल आर्टरी जो है कंटिन्यूशन होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, ये बिगेन होती है बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट्स, ठीक हो गया, और वेयर इट लाई मिडवे बिटवीन एंटीरियर स्पाइरल इलियक स्पाइन एंड द पुबिक सिम्फिसिस, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट पे हम क्या कर ले होते हैं फेमरल प्लस पल्सिस जो है वो फील कर ले होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये साइड जो है हमारे पास फेमरल पल्सिस को हम ले रहे होते हैं, ठीक है। द आर्टरी डिसेंड थ्रू द फेमरल ट्राइंगल से डिसेंड हो रही होती है ट्राइंगल से एंड देन एडक्टर कैनाल से, और लीव कर रहा होती है ये फ्रंट ऑफ द थाई बाई पासिंग थ्रू द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, ये हमारे पास फेमरल ट्राइंगल से आई एडक्टर कैनाल से डिसेंड होती है, देन फिर फ्रंट ऑफ थाई को लीव करती है बाई पासिंग थ्रू द ओपनिंग एडक्टर मैग्निस की जो ओपनिंग है वहाँ से वो पास करती है, देन वो इंटर कहाँ पे होती है पोपलीटियल स्पेस में, पोपलीटियल स्पेस में जब इंटर होती है तो वो क्या बन जाती है एज अ पोपलीटियल आर्टरी, ठीक है क्या पोपलीटियल स्पेस में एंटरिंग एज अ पोपलीटियल आर्टरी बन रही होती है। जब इन द फेमरल ट्राइंगल इसकी जो रिलेशन है आर्टरी इज रिलेटेड लैटरली फेमरल नर्व के लैटरली होगी एंड द मीडियली इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्स टू द फेमरल वेन एंड फेमरल कैनाल, देन हमारे पास जो अच्छा देखिए आप देख रहे हो ये इमेज है, इसमें जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है उसकी जो जो है इनगाइनल लिगामेंट के बिहाइंड मिडवे में हमारे पास फेमरल आर्टरी है, ठीक है, और ये कंटिन्यू हो रही है और डिफरेंट ब्रांचेस दे रही है, ठीक है। अच्छा इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, देखो हमारे पास सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी पहली ब्रांच इसकी है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो राइज हो रही है जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड रन करती है लैटरली टूवर्ड द एंटीरियर स्पीरियर इलियक स्पाइन की तरफ, ठीक हो गया। और एक और आर्टरी देती है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो राइज हो रही है जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड रन करती है अपवर्ड टू द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ये दो जो आर्टरीज हैं ये अपवर्ड जा रही होती हैं, ठीक है, और लैटरली देन हमारे पास सुपीरियर एंड सुपीरियर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी एंड द डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, ये दो आर्टरीज जो हैं ये हमारे पास अराइज हो रही है जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट और रन कर रही होती है मीडियली एंड सप्लाई कर रही होती है स्किन ऑफ स्क्रॉटम और लेब्रम मैजरस को ये सप्लाई करेंगी, ठीक हो गया। देन हमारे पास प्रोफंड फेमरस आर्टरी, ये हमारे पास मेन आर्टरी है इसकी जो लार्ज ब्रांच है किसकी फेमरल आर्टरी की, ये 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज हो रही होती है और ये सप्लाई कर रही होती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को, इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट मीडियल फेशियल एंड पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को वाया ब्रांच कौन कौन सी ब्रांचेस से, देखो हमारे ये कौन सी ब्रांचेस देती है मीडियल एंड लैटरल, ये हमारे पास कौन सी ब्रांचेस देती है मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देती है ये, और फोर प्रोफेटिंग आर्टरीज देती है और एक हमारे पास जेनिकुलर आर्टरी, देन लास्ट इसकी ब्रांच है जेनिकुलर आर्टरी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ये हमारे पास जो है वो आर्टिकुलेट कर ये हमारे पास पार्टिसिपेट कर रही होती है एनास्टोमोसिस में। देन हम देख लेते हैं ट्रोक्लेंटिक एनास्टोमोसिस, ट्रोक्लेंटिक एनास्टोमोसिस क्या होता है, ट्रोक्लेंटिक एनास्टोमोसिस प्रोवाइड द मेन ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ फेमर, कौन कौन सी आर्टरीज के जरिए दे रहा होता है सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये फोर आर्टरीज जो हैं हमारे पास ये क्या कर रही होती हैं ट्रोक्लेंटिक एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास क्रूशियट एनास्टोमोसिस, क्रूशियट एनास्टोमोसिस टुगेदर विद द ट्रोक्लेंटिक एनास्टोमोसिस द क्रूशियट एनास्टोमोसिस प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द इंटरनल एलियक और फेमरल आर्टरीज के दरमियान कनेक्शन बना रहता है। फॉलोइंग आर्टरीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती है कौन सी इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी मीडियल सर्कमफ्लेक्स मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लैटरल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और फर्स्ट प्रोफेटिंग आर्टरी जो ब्रांच है प्रोफेंड फेमरस आर्टरी की, ठीक है, और वो क्या कर रही होती है इसमें पार्टिसिपेट होती है, फोर प्रोफेटिंग आर्टरीज होती है ना जिसमें जो फर्स्ट वाली है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है किसमें क्रूशियट एनास्टोमोसिस में। देन हमारे पास पोपलीटियल आर्टरी, पोपलीटियल आर्टरी जो है कंटिन्यूशन हमें पता है किसकी फेमरल आर्टरी की और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल की ओपनिंग से होती है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोपलीटियस मसल, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में और डीपली प्लेस होती है इन द पोपलीटियल फेसा में और लाई कर रही होती है क्लोज टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द फेमर एंड नी जॉइंट, ठीक है। इसकी ब्रांचेज हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेज मसल में ब्रांचेज देती है, आर्टिकुलर ब्रांचेज जो है नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, और टर्मिनल ब्रांचेज में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज हैं ये हमारे पास एंड एनास्टोमोसिस अराउंड द
knee joint. Anastomosis जाना हमने जेनी joint में हमारे पास कौन सी arteries involving जो जेनी joint के घिर जो है anastomosis बना रही होती है. हमारे पास descending genicular artery from the femoral artery, जो हमने अभी femoral artery की last branch पढ़ी थी, descending genicular artery, वो हमारे पास anastomosis में हिस्सा ले रही है. और कौन सी है? lateral femoral circumflex artery from the profound femoral artery, ठीक है, lateral branch जो है. देन है और जो मीडियल है वो किसमें दे रही होती है? क्रूशियट एनास्टोमोसिस में ले रही होती है. और लेटरल जो सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी है वो किसमें कहती है? नी जॉइंट में, ठीक है. और आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पॉपलिटियल आर्टरी, ये देख लो आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पॉपलिटियल आर्टरी जो है नी जॉइंट में देती है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पॉपलिटियल आर्टरी वो भी पार्टिसिपेट कर रही है. और एक और दो ब्रांचेस कहाँ से आ रही होती है हमारे पास? एक है एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो टर्मिनल ब्रांच है पॉपलिटियल आर्टरी की, वहाँ से दो आ रही होती हैं. क्या ब्रांचेज? वो दो आर्टरीज जो हैं एक एक ब्रांच दे रही होती हैं. किसको? एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट को, ठीक हो गया. देन हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है अराइज हो रही होती है एट द बाइफर्केशन ऑफ पॉपलिटियल आर्टरी इन द पॉपलिटियल फोसा, दो में डिवाइड हो जाती है ना पॉपलिटियल आर्टरी, और इट पास फॉरवर्ड बिटवीन द टिबिया और फिब्यूला. अभी आगे की तरफ आ जाएगी टिबियल फिब्यूला से पास करके थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और इंटर हो रही होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ठीक हो गया. ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के अपर पार्ट से क्या होता है? इंटर होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में एंड देन डिसेंड होती है विद डी पेरोनियल इट देन डिसेंड विद द डी पेरोनियल नर्व टू द फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट वेयर इट बिकम द डार्सिलस पीडस आर्टरी, ठीक है. ये डी पेरोनियल नर्व के साथ डिसेंड हो रही होती है इन फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट में और ये बिकम हो जाती है, क्या बन जाती है? डार्सल पीडियस आर्टरी बन जाती है, ठीक हो गया. ये हमारे पास था. देन क्या करती है जो हमारी एट द एंकल जॉइंट में क्या करती है? ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी लाई मिड लाइन बिटवीन द मेलुलस एंड द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हल्सिस लॉन्गस मसल. ये कहाँ पे लाई कर रही होती है? एंटीरियर एंकल में. ये बिटवीन होती है मेलस एंड द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हल्सिस लॉन्गस मसल में और मिडिल साइड ऑन इट्स मिडिल साइड में कौन सा मसल होगा? टेंडन. इसके मिडिल साइड भी जो टेंडन होगा एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन होगा. मिडिल साइड पे इसका एक्सटेंसर हल्सिस लॉन्गस का टेंडन होगा और लैटरल साइड पे इसका एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन होगा, ठीक है. जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? पल्सेस ले रहे होते हैं. एक साइड पे होगा यहाँ पे इस जैसे ये गुजर रही है, ये मीडियल है और ये फॉर एग्जांपल मीडियल है और ये लैटरल है. मीडियल साइड पर जो है एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस है और एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है. और इसके दरमियान में से आ रही होती है ये, ठीक है. और यहाँ पे क्या है? साइट है जहाँ पे वो क्या करते हो आप टिबियल पल्स ले रहे होते हो पेशेंट की या फिर फील कर सकते हो टिबियल पल्स. इसकी ब्रांचेज हमारे पास कौन सी है? हमारे पास ब्रांचेज हैं इसकी मस्कुलर ब्रांच और एनास्टोमोटिक ब्रांच जो है विद एनास्टोमोसिस. जैसे हमने पढ़ा था ना, जब हमने पढ़ा था एंकल एनास्टोमोसिस नी जॉइंट एनास्टोमोसिस, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल जो आर्टरी है वो एक एक ब्रांच देती है यहाँ पे. तो ये क्या करती है? एक ब्रांच देती है एक आर्टरीज की ब्रांच दे रही होती है नी के गिर्द एक एनास्टोमोसिस का और एक देती है एंकल की जॉइंट के गिर्द, ठीक हो गया. डार्सल पीडियस आर्टरी, डार्सल पीडियस आर्टरी जो है बिगेन हो रही होती है इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट से मिडवे बिटवीन द मेलस मिडवे में और इस कंटिन्यूएशन है इसकी स्कीट एंटीरियर टिबियल आर्टरी की. और डार्सल पीडियस आर्टरी जो है एंड होती है बाय एंटरिंग द सोल थ्रू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द फर्स्ट और सेकेंड बोन. प्रोक्सिमल जो स्पेस है फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन की, वहाँ से और ये पास हो रही होती है बिटवीन द टू हेड ऑफ द फर्स्ट डार्सल एंट्रोशियस मसल, दो एंट्रोशियस के मसल के हेड के दरमियान से. और ये जान कर रही होती है लैटरल प्लांटर आर्टरी को जो, ठीक है. लैटरल प्लांटर आर्टरी जो है हमारे पास किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है और ये कंप्लीट कर रही होती है प्लांटर आर्च. ऐसे एक साइड से जो है लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड, ये मीडियल साइड से आती है और डार्सल पीडियस आर्टरी यहाँ पे किसके साथ मिल जाती है? लैटरल प्लांटर आर्टरी के साथ मिल जाती है, लैटरल प्लांटर आर्टरी के साथ मिल जाती है, ठीक है. एट द फर्स्ट आर्टरी जो है सुपरफिशियल होगी और ये कहाँ पे होती है? आर्ट सुपरफिशियल होती है और इसमें ये किसके दरमियान होती है? लैटरल साइड पे हमारे पास जो है एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन होगा. इसके लैटरली हमारे पास इसके जो सुपरफिशियल होगी लैटरली जो होगा एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन है और मीडियली जो है एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, ठीक है. मीडियल साइड पे और ये लैटरल साइड पे ये, ठीक है. और इस जगह पे आप क्या करते हो? पल्पेट कर रहे होते हो पल्स, ठीक है. आपको पल्स फील हो रही होती है यहाँ पे टेकिंग फॉर द पल्स. डार्सल पीडियस आर्टरी जो है हमारे पास इसकी कितनी ब्रांचेज हैं? लैटरल डार्सल आर्टरी जो सप्लाई कर रही होती है डार्सम ऑफ फुट को, लैटरल डार्सल आर्टरी जो सप्लाई कर रही होती है डार्सम ऑफ फुट. आर्क्यूट आर्टरी जो है वो क्या करती है? जो रन कर रही होती है लैटरली अक्रॉस दी बेस ऑफ मेटाटार्सल बोन और ये गिव ऑफ द ब्रांच टू द टोज, टोज को ब्रांच दे रही होती है. और फर्स्ट डार्सल मेटाटार्सल आर्टरी ये सप्लाई कर रही होती है बोथ साइड ऑफ द बिग टो को. एक आर्क्यूट आर्टरी है, लैटरल डार्सल आर्टरी और फर्स्ट डार्सल आर्टरी.
देन है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है हमारे पास, ये किसकी ब्रांच है? पोपलीटियल आर्टरी की, सॉरी पोपलीटियल आर्टरी बाइफर्केट कर रही होती है दो में, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में, एट द इन द पोपलीटियल फोसा। ठीक है, जब ये डिसेंड हो रही होती है इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, इट कम, ये किसके साथ डिसेंड हो रही होती है? विद द टिबियल नर्व के साथ। द आर्टरी टर्मिनेट बिहाइंड द मीडियल मल्लस बाय डिवाइडिंग द दो चीज दो में डिवाइड हो रही होती है, एक मीडियल और लैटरल प्लांटर आर्टरी में डिवाइड हो रही होती है, मीडियल और लैटरल प्लांटर आर्टरी में डिवाइड हो रही होती है। और वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो? पल्स फेल्ट कर रहे होते हो मिडवे बिटवीन द मीडियल मल्लस और हील के दरमियान। आप क्या कर रहे होते हो? हील और मीडियल मल्लस के दरमियान आप वहाँ पे पल्स फील कर रहे होते हो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का। और इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं? ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास पेरोनियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांच कौन सी है? पेरोनियल आर्टरी जो लार्जेस्ट ब्रांच है, जो अराइज हो रही है क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, और ये डिसेंड हो रही होती है इन दी क्लोज एसोसिएशन विद द फ्लेक्सर होलिसिस लॉन्गस के साथ, क्योंकि ठीक है फ्लेक्सर होलिसिस लॉन्गस के साथ एसोसिएट हो रही होती है टू द रीजन ऑफ एंकल। और यहाँ पे वो क्या करती है? मस्कुलर ब्रांच देती है और न्यूट्रेंट आर्टरी की ब्रांच, एक न्यूट्रेंट आर्टरी देती है जो क्योंकि पेरोनियल आर्टरी है पेरोनियल, और ये तो इसीलिए किसको सप्लाई करेगी? न्यूट्रेंट आर्टरी फेब्यूला को सप्लाई करेगी। और एक देती है एनास्टोमोसिस ब्रांच अराउंड द एंकल जॉइंट, ठीक है, और ये एनास्टोमोसिस ब्रांच देती है किसको? एंकल जॉइंट को। और एक है मस्कुलर, देन है मस्कुलर ब्रांच, और एक देती है न्यूट्रेंट आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरी जो है वो किसको देगी? हाँ, टिबिया को। और ठीक है, और एनास्टोमोसिस एक और ब्रांच देती है अराउंड द एंकल जॉइंट, और मीडियल और लैटरल प्लांटर आर्टरीज में ये डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रांचेज। ठीक हो गया, आगे हम पढ़ते हैं मीडियल प्लांटर आर्टरी। मीडियल प्लांटर आर्टरी जो है वो स्मॉलर ऑफ द टर्मिनल ब्रांच है ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, मीडियल जो है स्मॉलर ब्रांच है ना, और ये रन होती है फॉरवर्ड अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट विद द मीडियल प्लांटर नर्व के साथ जाती है ये, और ये यहाँ पे जाती है काफ़ी मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेज देती है यहाँ पे। देन हमारे पास लैटरल प्लांटर आर्टरी। लैटरल प्लांटर आर्टरी जो है इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, और ये रन कर रही होती है रन फॉरवर्ड डीप टू द एब्डक्टर हॉलिसिस मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस के साथ, ये डीप जाती है डीप टू द एडक्टर हॉलिसिस एबडक्टर हॉलिसिस के साथ जाती है, और किसके साथ? फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस के साथ जाती है ये विद द लैटर, किसके साथ मिलके जाती है? लैटर प्लांटर नर्व के साथ जाती है, और इट एंड बाई कर्विंग, और ये क्या करेगी? एंड का वो कैसे होगी? ये एंड होगी जैसे कर्व करेगी ये मीडियली टू फॉर्म अ प्लांटर आर्च, मीडियली ऐसे कर्व हो जाएगी, और क्या करेगी? ये मीडियल है और ये लैटरल साइड है, ये कर्व से जाएगी मीडियली और प्लांटर आर्च बनेगी थ्रू द एनास्टोमोसिस विद द, और ये कहाँ किसके साथ एनास्टोमोसिस बनाएगी? हमारे पास डॉर्सल पीडियस आर्टरी के साथ। ठीक है, जो डॉर्सल पीडियस आर्टरी किसकी ब्रांच है? हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी की। ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है उसके साथ मिलेगी, और ये लैटरल प्लांटर आर्टरी किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। ठीक है, ये जो हमारे पास पाल्मर आर्च है ना, यहाँ पे ये क्या करेगी? गिव ऑफ प्रोफ्रेटिंग मेटाटार्सल आर्टरीज देगी, और मेटाटार्सल आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास डिजिटल आर्टरीज देंगी। ठीक हो गया, ये हमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये डार्सल पीडियस आर्टरी, ये आर्च होगी, प्रोफ्रेटिंग आर्टरीज देगी पहली बार, प्रोफ्रेटिंग आर्टरीज देगी और मेटाटार्सल आर्टरीज देगी। मेटाटार्सल फिर आर्टरीज जो है वो क्या करेगी? डिजिटल आर्टरीज देंगी। ये हमारे पास है लोअर लिम की सारी जो है आर्टेरियल सिस्टम, आर्टेरियल सप्लाई। हम जल्दी से आर्टेरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम की इमेज देख लेते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये आप देख रहे हो ये फेमरल आर्टरी है, इसकी ब्रांच जो है प्रोफंड आर्टरी है। प्रोफंड आर्टरी की जो हमारे पास ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? मीडियल फेमरल आर्टरी और लैटरल फेमरल आर्टरी। ठीक है, और फोर प्रोफ्रेटिंग ब्रांचेज यहाँ पे हैं इसकी। देन है कंटिन्यूशन जो है फेमरल आर्टरी की, कंटिन्यूशन कहाँ पे है? जब वो इंटर होती है पोपलीटियल फोसा में, ठीक है, वहाँ पे वो पोपलीटियल आर्टरी बन जाती है। ठीक है, किसकी सूरत में आगे कंटिन्यू हो रही होती है? पोपलीटियल आर्टरी जो है हमारे पास वो डिफरेंट ब्रांचेज दे रही होती है, बट यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेज कौन सी देती है? ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जो है डिफरेंट ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो पोपलीटियल आर्टरी ब्रांच देती है, मेन ब्रांच जो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पेरोनियल आर्टरी है, जो हमारे पास जो डिफरेंट मसल्स को न्यूट्रेंट आर्टरी देती है किसको? हमारे पास फेब्यूला को न्यूट्रेंट आर्टरी देती है। और हमारे पास क्या है? एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जा रही है किसमें? डॉर्सल पीडियस आर्टरी में। ठीक है ना, डार्सल पीडियस आर्टरी में और एक्यूट आर्टरीज जो है इसकी ब्रांचेज हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो देख रहे हो ये डार्सल पीडियस आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है एंड पे जाती है मीडियल और लैटरल टिबियल लैटरल प्लांटर आर्टरी में, प्लांटर आर्टरी मीडियल प्लांटर आर्टरी लैटरल प्लांटर आर्टरी। ठीक है, दो में डिवाइड होती है, एक मीडियल प्लांटर आर्टरी और लैटरल प्लांटर। लैटरल प्लांटर आर्टरी जो होती है ना पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, वो हमारे पास एनास्टोमोसिस करती है डार्सल पीडियस आर्टरी के साथ, और एक आर्च बना रही होती है जो क्या करती है? मेटाटार्सल
और डिजिटल क्या कर रही होती है, परफोरेटिंग ब्रांचेज दे रही होती है, टर्मिनल ब्रांचेज दे रही होती है। ये हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, जो आर्टरीज सी मैच है वो हमने लोअर लिम्ब की।